हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े मज़ेदार सी हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 5 जो बिग साइज़ के टोमेटोज़ होते हैं मैंने वो ले लिए हैं। 5 to 6 आप ले लें बिग साइज़ के टोमेटोज़। ये फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, फ्रीज़र में से निकाले हैं। आप इसको पानी के अंदर रखें हल्का सा, तो इसका आराम से छिलका उतर आता है। तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में रखा और उनका मैंने छिलका उतार लिया, तो इस तरह से ये छिलका उतर गया। अब इनमें से जो हाफ है मैं उनको ब्लेंड कर लूँगी। हाफ को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, बाकी का जो हाफ है उसको मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। ना चंकी सी पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा अच्छी लगती है, छोटे छोटे से चम्स अगर मुँह में आए तो बिल्कुल बारीक बारीक से। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है पैन के अंदर। इसके अंदर मैं गार्लिक 1 टेबल स्पून, मैंने 2 or 3 क्लोव्स इसकी ले ली थी, इसकी लहसुन की। इसको मैंने फ्राई किया, जब ये ब्राउन हो जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे अनियन। अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था मैंने। अभी लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, ब्राउन जब हो जाएगा अब मैं डालूंगी इसके अंदर अनियन। अनियन एक स्मॉल बिल्कुल स्मॉल साइज़ का 1 अनियन मैंने लिया, आप हाफ भी ले सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था बारीक, और अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करना है ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट ये है कि हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, उतनी देर तक इसको हम फ्राई करेंगे। देन हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर टमाटोज़ ऐड करूँगी, जो टमाटोज़ मैंने कट किए थे, ये जो मैंने ब्लेंड नहीं किए इनको मैंने कट किए। आप चाहें तो आप सारे टमाटोज़ को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने सबको ब्लेंड नहीं किया। बहुत ज़्यादा पतली बिल्कुल मैश हुई हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इनको छोटा छोटा सा कट कर लिया था। आप चाहें तो सब ब्लेंड कर लें, मैं अगेन कह रही हूँ। और इसको मैंने डाला है, देन मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। जो बाकी का जो ब्लेंड किया हुआ था मैं वो ऐड करूँगी अब इसके अंदर। बिल्कुल विदाउट एनी वाटर मैंने इसको ब्लेंड किया है, इसको वाटर के साथ ब्लेंड नहीं करना। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं तो ये इस तरह से अलग अलग से सब चीज़ें डाल रही हूँ ना, आप हर चीज़ जो है ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड करके देन उसको फ्राई पैन के अंदर आप ऐड कर लें। लहसुन को फ्राई करें एंड देन वो सब प्याज टमाटोज सारे स्पाइसेस सब कुछ ब्लेंडर में ब्लेंड करके देन आप ऐड कर लें। मैंने अलग अलग से किया है, इस तरह से भी बहुत मज़ेदार सी बन जाती है। अब मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसके अंदर सॉल्ट है और रेड चिली पाउडर है, शुगर ऐड की है मैंने 1/2 टेबल स्पून, ओरिगैनो 1/2 टेबल स्पून है, बटन रेड चिलीज़ मैंने 3-4 लेके उनको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था, सॉल्ट मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड हो आप डालें, और ये सारे स्पाइसेस जाते हैं इसके अंदर, विनीगर जाएगा। आप लेमन डाल सकते हैं खटास के लिए, थोड़ा सा खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लें अच्छे तरीके से, 5 to even 10 मिनट्स के लिए भी आप इसको कुक करें। देन इसके अंदर टमाटो केचप डालें 2 टेबल स्पून, टमाटो पेस्ट जो होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया था। आप चाहें तो ऑयल ऐड कर लें, कोई मसला नहीं, बट ये है कि देसी घी का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अच्छा आता है, ये बड़ी मज़ेदार सी बन गई थी। तो बस ये अब इसको 2 मिनट्स के लिए और कुक करके देन इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। होप सो कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ही अपलोड की है, नेक्स्ट कभी मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी। वैसे मैंने पिज़्ज़ा पिन व्हील्स बनाए थे, उसके अंदर ये वाली सॉस मैंने यूज़ की थी। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।